आपका स्वागत है एक और क्राफ्टमैन 4 की नई वीडियो में। तो गाइस आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपको जावा की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि क्राफ्टमैन 4 की सेटिंग को जावा में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहले तो अपनी सेटिंग खोल लेनी है हमें, और फिर थोड़ा नीचे जाना है हमें, और टच पे जाकर ना ये जो स्प्लिट कंट्रोल है इसे ऑन कर देना है। उससे क्या होगा कि जो हमारा गोल वाला बटन होता है ना वो प्लस के आइकॉन में बदल जाएगा। अभी और भी बताता हूँ, ये वीडियो वाले में जाकर ये जो हाइड पेपर डॉल है ना ये आपका ऑन होगा, इसे ऑफ कर देना है, इसे ऑफ कर देना है। तो ऐसे ही रहने देना। अब चलो मैंने कर रखा था इसलिए, और मैं आपको बताता हूँ अभी। चलो चलो मेरे को सेटिंग्स ढूंढनी पड़ेंगे, मुझे याद नहीं रहती है कि यहाँ पर है। और वीडियो तो सब सही कर दिया है गाइस, वीडियो। और ये हाँ, वीडियोस में एक और चीज, ये जो आउटलाइन सेक्शन है ना इसे आपको ऑन कर देना है, क्योंकि इसे ऑन कर दोगे तो ना आपको जावा की तरह सारे ब्लॉक्स की आउटलाइन दिखेगी ब्लैक कलर की, और टेक्सचर पैक तो वही रहने देना है। अभी आपको और भी दिखाता हूँ मैं, नीचे नीचे हाइड पेपर डॉल हो गया। और हाँ, सबसे मेन चीज ये आपको प्रोफाइल में आना है, नहीं प्रोफाइल में आता है क्या, मुझे भी याद नहीं है भाई, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। रुको मैं आपको ढूंढ कर दिखाता हूँ। चलो चलो फटाफट से मिल जाओ भाई। इसमें आता है क्या, नहीं इसमें भी नहीं है भाई, किसमें आता है। मेरे ख्याल से प्रोफाइल में आता था लेकिन अब नहीं है, वीडियो में तो नहीं आता होगा। हाँ वीडियो में ही आता है गाइस, जो आप देख सकते हो ये यूआईडी प्रोफाइल है ना, ये यूआईडी प्रोफाइल में आपको जाना है। और ये जो आपका होगा ना ये पॉकेट पे होगा, आपको इसको क्लासिक पे कर देना है। तो आप क्लासिक पे कर दोगे ना तो आपकी जो इन्वेंट्री होती है ना वो बिल्कुल जावा की तरह हो जाएगी। तो हाँ गाइस अब की अभी खाली इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।